प्रतिदिन लगातार बढ़ते गए, एक दिन 5 रुपये 10 रुपये कम कर दिए, जबकि मोदी जी गवर्नमेंट ने 2020 के अंदर इन्होंने पैसे 15-20 रुपये करीब बढ़ाए थे। जनता भूल जाती इन बातों को, उनको हम लोगों को एहसास नहीं है कि पहले इन्होंने बढ़ाए थे 2020 के अंदर और अभी इन्होंने 5-10 रुपये कम कर दिए। हम इनसे मांग करते हैं जितना कम आप करोगे उसके अनुपात में राज्य सरकारों को अपना आप ही कम हो जाता है, क्योंकि टैक्स लगता है भारत सरकार के जो जितना ही वो पेट्रोल डीजल के दाम होते हैं उस पर टैक्स लगता है। अभी इन्होंने बढ़ाया है 5-10 रुपये, तो राजस्थान सरकार को भी 1,800 करोड़ रुपये स्वतः ही कम हो गए हैं। अब हम जो मांग कर रहे हैं इनसे उसे और 3,500 करोड़ कम होंगे हमारे, वो में मंजूर है। हम चाहते हैं लोगों को राहत मिले। इन्होंने जो अप्रोच किया है खुद में 5-10 रुपये सिम्बोलिक कम कर दिए, उससे महंगाई कम नहीं होने वाली। अध्यक्ष जी ने भी ठीक कहा, उससे महंगाई कम नहीं होगी, क्योंकि लोगों को पता है कि चुनाव खत्म हुए नहीं अभी 5 राज्यों के, और पुनः बढ़ने लग जाएंगे दाम सबके। हमारी मांग है कि आप देश से वादा करो हम भविष्य में इस प्रकार से रेट नहीं बढ़ाएंगे, तब जाकर के महंगाई कम होना प्रारंभ होगा। महंगाई का इश्यू बहुत बड़ा इश्यू है देश के अंदर, हर घर प्रभावित है, मध्यम वर्ग का हो गरीब हो जीना दुभर हो गया है, महिलाएं बहुत दुखी है, रसोई चलाना मुश्किल हो गया उनके लिए। इसलिए टॉप प्रायोरिटी में एनडीए गवर्नमेंट को आगे आकर के महंगाई कम करने के लिए तमाम वो कदम उठाना चाहिए जिससे वास्तव में महंगाई कम हो जाए। और ये AICC जो प्रोग्राम दिया सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने प्रोग्राम जो दिया पूरे मुल्क के लिए दिया है, और मैं समझता हूँ कि ये गांव और ढाणी तक और बूथ लेवल तक प्रोग्राम दिया गया है, इससे अवश्य दबाव पड़ेगा।